चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शिक्षकों को अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। प्रदेश भर के 1,500 चयनित शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 के चयनित शिक्षक भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक सूत्री मांग को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका कहना है कि सरकार आश्वासन तो दे रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रही। चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि त्यागी ने बताया कि प्रदेश भर में 1,500 से ज्यादा चयनित शिक्षक हैं जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होने वाली है। अगर उनकी उम्र 40 वर्ष हो गई तो वह कभी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। पहले भी इन लोगों को आश्वासन मिलते रहे, इसलिए इन लोगों का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। अगर हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना होगा यहाँ पर, जैसे आज की हमें परमिशन मिली है। अगर आज मंत्री में जैसे मंत्रिमंडल में से कोई भी आक्रम से बात करता है तो ठीक है, नहीं तो यह अनिश्चितकालीन होगा। यहाँ पर हमने भगवान श्री राम का हनुमान जी का फोटो लगा रखा है, यहाँ पर हनुमान चालीसा चलते रहेंगे जब तक कि हमें एक प्रॉपर आश्वासन नहीं मिल जाता या फिर कोई आकर हमसे ये नहीं कह देता कि आपका आगे का क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, तब तक ये जनता यहाँ से उठने वाली नहीं। आश्वासन का मतलब ये कि जैसे मान लो कि कोई भी आता है वो हमसे ये कह के जाता है कि ठीक है, हम जैसे फर्स्ट काउंसलिंग का इनका ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू हो गया या फिर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने वेटिंग वाले लोग होंगे जिनको बुलाया जाएगा। अगर जैसे देखो सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, उनके एजेंडे में साथ साथ लिखा रहता है कि सरकार चाहे तो पदों में बढ़ोतरी कर सकती है, घटोतरी कर सकती है, तो इसका मतलब बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार कोई और बढ़ा दिया जाए। और मेन चीज ये कि 5 साल में एक ही बार यहाँ से आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।